का हमारा टॉपिक है ड्राई शैम्पू के ऊपर। और ड्राई शैम्पू कहाँ यूज होते हैं? देखिए कई सारे ऐसे पेशेंट्स जो बेड रिडन होते हैं, बेड से उठ नहीं पाते, तो उनके हाइजीन में ड्राई शैम्पू बहुत ही हेल्प करता है। इसको यूज करने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज देखते हैं इसी के पीछे क्या केमिस्ट्री है। नॉर्मल शैम्पू क्या करता है, बालों में से ऑयल और डर्ट को निकाल देता है। ये शैम्पू भी वही करता है। हमारे स्कैल्प के अंदर ग्लैंड्स होते हैं ऑयल के, वहाँ से ऑयल कंटिन्यूसली रिलीज होते रहता है, साथ में डर्ट भी आके बैठ जाता है। तो ड्राई शैम्पू में मेन इंग्रेडिएंट होता है स्टार्च। स्टार्च की प्रॉपर्टी होती है वो ऑयल और डर्ट के साथ वैंडरवाल फोर्सेस से अटैच हो जाता है। सो स्टार्च तो एक चीज़ है जो ऑयल को हटाने में हेल्प करती है। उसके साथ कैओलिन क्ले नाम की एक क्ले है, उसका पाउडर भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब करती है। इन दोनों मटेरियल्स के कंपाउंड्स के केमिकल स्ट्रक्चर आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो ये दोनों तो हम लोगों ने पाउडर्स यूज़ कर ली, पर इनको रखने के लिए एक बेस भी तो चाहिए जिसके अंदर ये लोग इन दोनों मिक्सचर को हम लोग रख सके प्रॉपरली। तो एज अ बेस हम लोग डीनेचुरेटेड अल्कोहल को यूज़ करते हैं। सो डीनेचुरेटेड अल्कोहल में ये दोनों भी पाउडर्स बहुत अच्छे से सस्पेंड करके रहते हैं। तो जब भी हम लोग डीनेचुरेटेड अल्कोहल, स्टार्च और कैओलिन क्ले, ये जो मिक्सचर है, इनको जब हम लोग बालों पे लगाते हैं तो अल्कोहल तो वोलेटाइल होने की वजह से झट से उड़ जाता है, और जो हमारा स्टार्च और क्ले होती है वो अपना ऑयल के साथ बाइंड करने का काम करती है। पर एक और इश्यू होता है कि स्टार्च का एक प्रॉब्लम है, स्टार्च ना क्लम्स बनाना चालू कर देता है, और अगर शैम्पू यूज़ करते वक्त ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेसी लगेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए उसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम स्टरेट। तो ये जो चीज़ है ये स्टार्च को क्लम्स बनाने से रोकती है, और कुछ देर बाद जब ही स्टार्च और क्ले अपना काम खत्म कर देती है, पूरा ऑयल क्लियर करती है, तो हम लोग इसको झटक के पूरा क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह से ड्राई शैम्पू वर्क करता है। सो डीनेचुरेटेड अल्कोहल की जगह पे हम लोग कभी कभी प्रोपेलेंट्स भी यूज़ करते हैं जो उस पाउडर को स्कैल्प के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। सो एज अ प्रोपेलेंट कई बार एलपीजी गैस को यूज़ किया जाता है, और आपको पता ही है कि एलपीजी कितना फ्लेमेबल होता है। सो अगली बार कभी भी आप ड्राई शैम्पू यूज़ करें कहीं पर भी, तो उसको यूज़ करते वक्त फायर से थोड़ा सा दूर रहिए। सो ये था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट ड्राई शैम्पू के बारे में। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ नेहरू साइंस सेंटर के साथ। थैंक यू।